सबसे पहला पत्थर मेरे बाएं पैर पे चला था, फिर पवन भैया गए तो उनको इस पे लग गया। कितनी भी सिक्योरिटी हो, गोली चलाने वाला गोली चला ही देता है। जिनके घर कार्यक्रम करने गए होंगे हम लोग, उनका ही कोई दुश्मन हो, उनका कार्यक्रम खराब हो जाए, कार्यक्रम खराब कर रहा हो ना, उनका लोगे पिटाई के डर पर, कहीं धरा जाए तो मैं बचित लो ना, बचा इतने फैंस थे वही मार देते उनको। अच्छा विजय भाई, अभी कुछ दिनों पहले बलिया में स्टेज शो के दौरान पवन सिंह के ऊपर पत्थर फेंका गया था, उस दौरान आप भी वहां पे उपस्थित थे, क्या मामला हुआ था वहां पे, हुआ क्या था आखिरकार? उस स्टेज का शुरुआत मैं ही किया था, बहुत बड़ा मंच था, बहुत ज्यादा भीड़ थी। सबसे पहला पत्थर मेरे बाएं पैर पे चला था, मैं शुरुआत करने गया, पहले आपको चोट लगी? पहले हमको लगा था, हम साइड हो गए, फिर पवन भैया गए तो उनको इस पे लग गया, यहाँ पे सर पे लग गया। तो कुछ अराजक तत्व होते हैं जिनको लेना देना किसी से भी नहीं, ना अपने भाषा से, ना समाज से, ना अपनी बेइज्जती से, ना उनका लोगे पिटाई के डर पर, कहीं धरा जाए तो मैं बचित लो ना, बचा। इतने फैंस थे वही मार देते उनको। हाँ, तो कुछ अराजक तत्व होंगे जिनको ये रास नहीं आया होगा, चाहे हो सकता है जिनके घर कार्यक्रम करने गए होंगे हम लोग, उनका ही कोई दुश्मन हो, उनका कार्यक्रम खराब हो जाए, कार्यक्रम खराब कर रहा हो, तो उसमें हम कुछ विशेष टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। आपको नहीं लगता ऐसे में जो भोजपुरी के सुपरस्टार स्टार हैं उनको सिक्योरिटी पर्पज से ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ऐसे अराजक तत्व तो आएंगे भविष्य में, फिर मान लीजिए अभी किसी को आपके पैर पे लगा, पवन सिंह को यहां लगा, कहीं ऐसी जगह आंख में नाक में लग जाए कि चोट लग जाए, और आप लोगों के चेहरे का तो काम है, जैसे कि अभी आप भी अभिनेता हैं, फिल्म कर रहे हैं, चेहरा ही खराब हो जाएगा तो कैसे कैमरे के सामने आएंगे, ऐसे में सिक्योरिटी को लेकर भोजपुरी कलाकारों को ध्यान देना चाहिए कि नहीं? इसका तो ध्यान देना चाहिए कलाकारों को, लेकिन अब मान लीजिए कि 2 लाख का भीड़ है, हम मंच पे हैं, मंच एकदम खुला है, चारों तरफ लोग हैं, उस 2 लाख के भीड़ में से वो पत्थर आया कहाँ से, ये कैसे पता करेंगे? यही दिक्कत होता है। तो कितनी भी सिक्योरिटी हो, गोली चलाने वाला गोली चला ही देता है, गोली मार निकल ही जाएगा। हाँ, तो उन लोगों से हम निवेदन करेंगे, प्रार्थना करेंगे, करबद्ध प्रार्थना करेंगे कि भैया हम छोटे मोटे कलाकार हैं, हम लोग छोटा मोटा गाना गाते हैं, कार्यक्रम करते हैं, आप लोगों का एंटरटेन करते हैं, आप लोगों का मनोरंजन करते हैं, आप लोगों के मनोरंजन के साधन हैं आप लोग, हम लोग तो, आप लोग हमें जितना प्यार दीजिएगा उतना हमें अच्छा लगेगा, कि पत्थरबाजी अच्छा नहीं, ये चीज़ अच्छी नहीं, इससे कलाकार भी डरेगा और फिर आपके यहाँ प्रोग्राम करने नहीं आएगा।